बिहार सरकार का दावा है कि दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही अपराध है, फिर भी लोग नहीं मान रहे। इसको सरकार और प्रशासन की ओर से जरूरी कदम उठाए गए हैं, इसके बावजूद भी दहेज को लेकर विवाहिता की जिंदा जला दिया जाता है। मामला है मुजफ्फरपुर जिला के हथौड़ी थाना क्षेत्र के महुली गाँव, जहाँ दहेज को लेकर विवाहिता को जिंदा जला दिया। लड़की का नाम रिंकी कुमारी, शादी 2 साल पहले सच्चिदानंद पिता रविंदर राय से हुई थी। लड़की के पिता संजय राय हथौड़ी थाने में आवेदन दिया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। घटना के बारे में हम लोग के भी 6 बजे मालूम हुआ, 6:30 बजे तो मारू के लाश लपाता कर दिया। कौन थे मरी है से आपके? भतीजी था। घटना हुआ है से हमारा लड़की रिंकी कुमारी है, से हम शादी किए हुए थे महुली, और मैंने 3 बजे दिन में हमको से बातचीत हुआ है, और शाम में 5 बजे में हमारा फोन गया है कि साहब को लड़की मर गया। कहे मार दिया? हाँ मार दिया, और मैंने हम लोग यहाँ से जाए गए हैं जब तक के लिए लाश को जला दिया। जला देने के बाद हम लोग मैंने देखे तो घर पर गए तो घर पर कोई आदमी नहीं है, ताला पूरा लॉक है, ताला वाला का पूरे आदमी घर छोड़ के भाग गया हुआ है। कुछ कारण के चलते मार दिया होगा? हाँ, सोना का सिकड़ी और मोटरसाइकिल के लिए मांग था। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग अली नूर मीनापुर से हैं। क्या हुआ है? क्या हुआ है से हमारी बहन को ससुराल वालों ने मार कर और लाश को जला दिया। कैसे पता चला? हम लोग का फोन के माध्यम से पता चला है कि आपकी बेटी डेथ कर गई है। वो घरे उसी के घरे से पता चला? नहीं, उसकी अगल बगल के फ़ोन किया गया गुप्त रूप से कि बोलिए कि इसे बताइएगा नहीं। हम लोग उसको आधार से आए हैं तो यहाँ देखे हैं कि लाश जलाया हुआ है और सभी आदमी फरार हो गया है घर छोड़ के। किस लिए मारा गया है पता? चैन और बाइक के लिए। जो आपको दिखाता है सच का आईना।